हेलो, देखिए आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके सामने, बिल्कुल फेस टू फेस लाइव। आज हम आपको एक बात बताएंगे। बहुत लोग कहते हैं कि हमारा थ्रेडिंग जो है झड़ जाता है, बाल निकल जाते हैं, फिर वो वापस नहीं आते। तो आज हम आपको ये देखिए, ये एक बादाम का तेल है जो 197 रुपीज़ का है। इससे छोटा भी आता होगा, आप मार्केट में ट्राई कर लीजिएगा, बहुत अच्छा ये थ्रेडिंग के लिए है। इसको क्या करना है आपको, इसको ये करना है, मैं बता रही हूँ आपको। ये देखिए, इसमें करना ये है कि आपको थोड़ा सा ये ऑयल ऐसे अपने फिंगर पे, मतलब उंगली पे अपने लेना है, और इसको ऐसे ऐसे रफ करके ऐसे 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 अपने ऐसे थ्रेडिंग पे ऐसे थोड़ा हल्के उंगली से मसाज करना है। ऐसे 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 करना है आपको, 2 4 5 बार, 10 बार ऐसे ऐसे करना है आपको। ऐसे करने से क्या होता है, आपका थ्रेडिंग जो है ये अच्छे से ग्रो करेगा, जो बाल झड़ गए हैं वो जल्दी से वापस आ जाएंगे। बहुत अच्छा है, और आप इसको रात में सोते समय करिएगा, सारा रात इसको लगा रहने दीजिएगा। फिर सुबह आप उठ करके अपना फेस वॉश कर लीजिएगा ठंडे पानी से, फिर कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा लीजिएगा। गाइस, बहुत अच्छा ये बादाम का तेल है। बादाम का तेल नहीं है तो आप जैसे कि ये है नेचर्स का एलोवेरा जेल है, आप ये लगा सकते हैं, और नारियल का तेल लगा सकते हैं, जो आपके पास सुविधा हो वो आप लगा सकते हैं। मैं तो फ़िलहाल यही ट्राई करती हूँ, मेरे भी काफ़ी बाल ऐसे झड़ गए थे, तो फीवर से भी ठीक हो रहा है थोड़ा थोड़ा। और इसका मेडिकेटेड ऑयल भी आता है जो मैं आपको बाद में बताऊँगी। गाइस देखिए, अब मैं ठीक हो रही हूँ, थोड़ा थोड़ा मुझे बुखार हो रहा था तो मैं वीडियो नहीं बना रही थी। अरे यार, मैंने आपको अपना चैनल तो बताया ही नहीं। मेरे चैनल का नाम है सलोनी ब्यूटी ट्यूब चैनल। मैं हूँ सलोनी गुप्ता। अभी बोलने में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है ना, कि मैं वीडियो नहीं बना रही थी तो कुछ कुछ भूल गई हूँ। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और अपने अपने सलोनी गुप्ता से अपना प्यार बनाए रखिएगा दोस्तों। और क्या कहें हम, बहुत अच्छा लग रहा है हमें आपसे बात करके, मिल के, और बस ऐसे ही अब थोड़ा थोड़ा बात करेंगे ना आपसे, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। तो बस ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, फिर मैं अगले दिन एक वीडियो बनाऊँगी जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तब तक के लिए बाय।